तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़। तो दोस्तों आज की जो टेक न्यूज़ होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, बहुत ही गर्मा गर्म टेक खबर है फ्रेंड्स, तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते अपने फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से। ऐसा पता लगा है जो पिछली बार फ्रेंड्स दो दिनों के पहले मैं टेक न्यूज़ में बताया था कि गूगल अपने नए फोल्डेबल स्मार्ट फोन के ऊपर काम कर रहा है। अभी फ्रेंड्स ऐसी खबर आ रही है कि गूगल जो है फ्रेंड्स वो जो अपने जो फोल्डेबल स्मार्टफोन ला रहा है वो पिक्सल सीरीज में ही लेके आने वाला है। और उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ़ोन। उसके अंदर आपको पीछे में आपको डुअल या ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल सकता है, फ्रंट में आपको अंडर डिस्प्ले कैमरे का सेटअप हो सकता है या फिर पंच होल में कैमरा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेक्स के साथ दिखने वाला है फ्रेंड्स। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 2021 के एंड तक ये लॉन्च हो सकता है अपने इंडिया के अंदर या फिर ग्लोबली। तो देखते हैं क्या खास होने वाला है इस फ़ोन के अंदर, आने दीजिए लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स लाइफ जो है फ्रेंड्स वो अपनी इंडियन कंपनी है जो जियो के साथ लॉन्च हुई थी अपने इंडिया के अंदर जब जियो आया था। अभी ऐसा पता लगा है जो लाइफ है फ्रेंड्स वो अपने नए स्मार्टफोन लेके आने वाले अभी इस 2021 में। और उनका एक फ़ोन जो है वो इंडियन बीआई सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट हो गया। अभी देखते हैं फ्रेंड्स कब तक ये आता है, क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन होते हैं, लॉन्च होने दीजिए एक बार तब पता चलिएगा। Xiaomi को जो Mi Mix Alpha 2 है उसका कुछ डिज़ाइन पेटेंट बाहर निकल के आया है फ्रेंड्स। उसके अंदर आप देख सकते हो ऊपर में आपको ट्रिपल यानी कि पॉपअप कैमरा जैसा दिखाई दे रहा है और ऊपर में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिख रहा है। और उसी के ऊपर आपको साइड में देखिए एक पावर बटन दिखाई देगा और एक हेडफोन जैक भी दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन लग रहा है फ्रेंड्स। और कर्व डिस्प्ले दिख रहा है फ्रेंड्स, 4D कर्व डिस्प्ले होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। और फोटोज़ की वजह से तो ऐसे ही लग रहा है। और ये जो कैमरा होने वाला है जो पॉपअप होने वाला है वो एज अ सेल्फी कैमरा भी यूज़ कर सकते हो और एज अ बैक कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा इसके अंदर होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पेटेंट के साथ आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कब तक ये लॉन्च होता है, क्या प्राइस पे होगा, क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस हो गए, आने के बाद पता चल जाएगा। न्यूज़ है क्योंकि ऐसा बताया जो मैंने कल बताया था पबजी का जो नया वर्जन आने वाला है, ठीक है, पबजी 2 या फिर पबजी न्यू स्टेट के नाम से, उसका ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पबजी न्यू स्टेट होने वाले वो 3 देशों में लॉन्च नहीं होने वाला है, चाइना, इंडिया और वियतनाम। ऐसे ये 3 देशों में ये लॉन्च नहीं होने वाला है, बाकी के देशों में ये लॉन्च हो सकता है यानी ग्लोबली लॉन्च होगा, लेकिन सिर्फ 3 देश छोड़ के ये बाकी सभी देशों में लॉन्च होने वाला है। अभी तो फ्रेंड्स इंडिया के अंदर तो समझ में आता है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन चाइना के अंदर और वियतनाम में क्यों नहीं हो रहा है वो अभी तक पता नहीं लगा है। तो देखते हैं क्या और खबरें आती है, क्या आती है, अभी तक कुछ पता नहीं है। इंडिया के अंदर तो नहीं आने वाला है, अभी तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। तो देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर, जैसे गवर्नमेंट कुछ इनको अगर हरी झंडी दिखा देते हैं तो ये हो सकता है आ सकता है इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने जो कल बताया था फ्रेंड्स कि रियलमी का जो 8 सीरीज होने वाला है उसके अंदर जो रियलमी 8 प्रो जो होने वाला है उसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। और अभी ऐसा पता लगा है जो उनका जो एक कैमरा इवेंट होने वाला है फ्रेंड्स 2 तारीख को यानी 2 मार्च को वर्चुअली हो सकता है फ्रेंड्स, यानी कि ऑनलाइन इवेंट हो सकता है। और इसके अंदर वो अपने कैमरा के जो इनोवेशन है वो बता सकते हैं और हो सकता है फ्रेंड्स उसमें Realme 8 का भी जिक्र हो, उसमें Realme 8 का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। अभी देखते हैं भाई क्या होने वाला है एक्चुअल में, 2 तारीख को देखना पड़ेगा क्या एक्चुअल में होता है, क्या ये Realme 8 सीरीज़ के बारे में क्या अगर कुछ बताते हैं तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। Realme का जो GT है फ्रेंड्स उसके प्राइस बाहर आ गया फ्रेंड्स, ऐसा पता जा रहा है कि इसका जो प्राइस होने वाला है वो चाइना में 2999 yuan यानी कि अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो 33,000 to 34,000 तक ये आ जाता है। अभी देखते हैं फ्रेंड्स इंडिया में किस प्राइस पे आता है, अभी तक इंडिया में लॉन्च होने का है, मार्च 4 को ये चाइना में लॉन्च होगा पहले, फिर उसके बाद इंडिया में लॉन्च होगा, अभी किस प्राइस पे होगा इंडिया में आने के बाद पता चल जाएगा। रेडमी ने आज अपने 2 नए लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए फ्रेंड्स, रेडमी बुक 14 और रेडमी बुक 15। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आ गए फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको जो रेडमी बुक प्रो 14 जो है उसके अंदर आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, 60Hz का आपको 2.5K का डिस्प्ले मिल जाता है और साथ ही इसके अंदर इंटेल का 11th जनरेशन का टाइगर लेक का आपको प्रोसेसर मिलेगा और साथ ही इसके अंदर 65W का USB टाइप सी का आपको पावर केबल मिल सकता है। और जो Redmi Book Pro 15 जो होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको 90Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलेगा 3.5K डिस्प्ले के साथ, इंटेल 11th जनरेशन टाइगर लेक का प्रोसेसर होने वाला है और इसके अंदर 100W का टाइप सी का पावर अडेप्टर मिलने वाला है।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लैपटॉप है फ्रेंड्स। इसकी जो सेल है वो चालू होने के भी, जैसे ही सेल इसकी चालू हो जाती है मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से आगे परचेस कर पाओगे। फाइनली दोस्तों, जो मनु कुमार जैन जी है जो इंडियन शाओमी के जो सीईओ है, उन्होंने अभी एक जो रेडमी नोट 10 है उसका ऑफिशियली लुक दिखा दिया है फ्रेंड्स। उसके जो रिटेलर बॉक्स है उसका ऑफिशियल लुक दिखा दिया, और जो वही रिटेलर बॉक्स है जो फ्रेंड्स जो मैंने 2-3 दिन पहले मैंने आपको टेक्न्यूज में बताया था, उसी स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाले जो रेडमी नोट 10 प्रो होने वाला है उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, लॉन्च होने दीजिए, ज़्यादा दिन नहीं है, लॉन्च होने ही वाला है। जैसे ही लॉन्च हो जाता है हम आपको ज़रूर से बताएंगे। सैमसंग का जो गैलेक्सी A32 4G जो वेरिएंट होने वाला है उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का इसके अंदर क्वाड कैमरा का सेटअप होने वाला है, और साथ साथ इसके अंदर जो बाकी के स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है, 6.4 इंचेस की आपको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, और फ्रंट में आपको इसके अंदर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेक्स के साथ आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आने दीजिए, किस तरीके का होने वाला है ये फ़ोन, क्या प्राइस के ऊपर लॉन्च होगा तब पता चल जाएगा। सैमसंग का जो गैलेक्सी M12 है फ्रेंड्स उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए, ऐसा पता चला गया उसके अंदर आपको जो डिस्प्ले रहेगा वो 6.5 इंचेस का HD+ डिस्प्ले रहेगा, जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का आपको फास्ट रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, साथ साथ इसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का इसके अंदर क्वाड कैमरे का सेटअप मिलने वाला है, और 6000 mAh की बैटरी होने वाली है फ्रेंड्स। तो काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहे हैं फ्रेंड्स, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 12000 के अंदर हो सकता है फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, इनका जो फर्स्ट फोन होने वाला है जो 12000 के अंदर 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले के साथ और 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ ये हो सकता है। तभी देखते हैं फ्रेंड्स क्या होने वाला है इस फोन में, किस तरीके का होगा ये फ़ोन, क्या वाकई में ये 12000 के नीचे आता है लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा। वीवो का जो X60 सीरीज है फ्रेंड्स वो गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हो गया है, और गीक बेंच के ऊपर भी लिस्ट हो गया है फ्रेंड्स। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 87 का प्रोसेसर होने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, और साथ ही इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 का भी सपोर्ट होने वाला है, और ऐसे बताया जा रहा है कि ये बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं कब तक ये लॉन्च होने वाला है, अभी ऐसा बताया जा रहा था कि ये मार्च के अंदर लॉन्च हो सकता है, और इसी के साथ Vivo X50 सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर। तो देखते हैं, आने दीजिए किस तरीके का होगा तब पता चलिएगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की टेक न्यूज़। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे सेफ।